क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक हो। गाइस, मार्केट डंप हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ है, पूरी मार्केट डंप हुई है। एंड इनफैक्ट कल से हुआ है, कल भी डंप हुआ था। एंड पहले बता देना मेरी आवाज़ ठीक से आ रही कि नहीं, चैट में खाली हाँ बोल देना कि सही आ रही है, कभी कल गड़बड़ हुई थी तो। ऑफकोर्स कल भी बिटकॉइन की प्राइस डंप हुई थी, आपको पता है कल 9,700 पे कुछ ट्रेड हो रहा था। एंड जैसे ही सतोशी नाकामोटो की न्यूज़ आई, एक ट्वीट आया कि बस 50 बिटकॉइंस 2009 से मूव हुए हैं, उसके बाद तुरंत मार्केट में करेक्शन हुआ। करेक्शन बोलो या डम बोलो, जो भी बोलो, एंड कुछ 9,400 के आसपास कल ट्रेड कर रहा था। और आज पिछले 24 घंटों में फिर से 9,400 से गिर गया, आज अराउंड 9,000 पे इनफैक्ट ट्रेड हो रहा है। सो यस, मार्केट डंप हुआ है, जिसका सबको एक तरफ से अंदाजा था कि शायद यू नो सतोशी नाकामोटो को जो भी न्यूज़ है वो बिटकॉइन के प्राइस को इम्पैक्ट करेगी, तो एक्चुअली उसने किया है। मे बी उस न्यूज़ ने किया है, और मे बी या फिर ये नॉर्मल साइकिल है। आप मुझे बताओ चैट में, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल बिटकॉइन की साइकिल है जो यूजली होती है, या फिर इस पर कुछ सतोशी नाकामोटो का जो न्यूज़ चल रहा है उसका असर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि एक्चुअली पूरी स्टोरी है क्या, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन में नया स्टार्ट कर रहे हो या आपको समझना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्या स्टोरी चल के आ रही है कि सतोशी नाकामोटो के पास कितना बिटकॉइन्स। आपको पता ही होगा कि सब लोग, एक थ्योरी है जहाँ पे बोला जाता है कि एटलीस्ट सतोशी नाकामोटो के पास एटलीस्ट 1 मिलियन बिटकॉइन है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने ही माइनिंग चालू किया था और ऑलमोस्ट 1 ईयर यू नो उन्होंने ही माइन किया था। एंड ऑफकोर्स और भी माइनर्स थे, बट उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन। अगर सतोशी नाकामोटो चाहें तो ऑब्वियसली यू नो बिटकॉइन को डंप किया जा सकता है, 1 मिलियन बिटकॉइन सेल आउट किया जा सकता है। बट बहुत बड़ा सवाल है, अगर सतोशी नाकामोटो ने आज सोचा भी कि मुझे बिटकॉइन को कैश आउट करना है, सेल आउट करना है, कहाँ सेल आउट करेंगे भाई, कौन से एक्सचेंज पे, कॉइन बेस पे, जियो ट्रस्ट पे, कॉइन DCX पे, कहाँ पे, और कौन है सतोशी नाकामोटो, वो KYC क्यों दे? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। इतना बड़ा लॉट बिटकॉइन का कैश आउट करना, इवन 50 बिटकॉइन कैश आउट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। स्पेशली वो आदमी जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता कि मैं कौन हूँ, करेक्ट? तो आई थिंक बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बट मैं आपको इनफैक्ट एक थ्योरी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ये प्रूव होता है कि ये जो बिटकॉइंस कल मूव हुए हैं 50 बिटकॉइन, एक्चुअली ये सतोशी नाकामोटो के नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा कल घबरा गया था ये न्यूज़ सुनने के बाद कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। ओके, एंड लेट मी नो कि आपका क्या हाल था। मेरे दिमाग में बिल्कुल थोड़ा चल रहा था कि बॉस, क्योंकि 2009 से ये बिटकॉइन मूव हुआ है, तो सतोशी नाकामोटो के अलावा और कौन हो सकता है, वो टाइम पे और कौन बिटकॉइन माइन कर रहा था। काफ़ी सस्पेंस है, राइट? काफ़ी थ्रिलर, काफ़ी सस्पेंस है इसमें। आई थिंक इसीलिए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ऑफकोर्स आप पैसे भी कमा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बट उसके साथ साथ इतना फैसिनेटिंग स्टोरी है कि आपको मज़ा आता है। कुछ ना कुछ ड्रामा यहाँ पे चलते रहता है, यू नो सस्पेंस चलते रहता है। सो लेट मी नो मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही कि नहीं। एंड या कल ग्रोथ मनी, यस, शाउट आउट गाइस। बाय द वे, मैं बता दूं आपको, आज 21st ऑफ मे है और कल मे 22nd है। सो कल बिटकॉइन पिज्ज़ा डे है, ओके? सो बिटकॉइन पिज्ज़ा डे उसको बोलते हैं क्योंकि 22 मई 2010 को किसी बंदे ने अराउंड 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज्ज़ा खरीदा था, ठीक है? 2 पिज्ज़ा 22 मई को 10,000 बिटकॉइंस दिए थे, और आप उसका कैलकुलेट कर लो कि 10,000 बिटकॉइंस की कीमत क्या है, ठीक है? 10,000 बिटकॉइंस की क्या कीमत है आप पता कर लो। बट यस, तो कल पिज़्ज़ा डे है। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो चल रहा है मेरे ख्याल से, ऑफलाइन बंद है, बट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो चीज़ें, तो मैं प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी, मैं शायद पिक्चर डालूँ, बट लेट मी नो आप लोग कैसे हो, एंड लेट मी नो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। इनफैक्ट मैं कल सोच रहा था कि बिटकॉइन थोड़ा शॉर्ट करूँ, बट मैंने एक्चुअली नहीं किया, मैंने पोजीशन नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या एक्चुअली होने वाला है। बट लेट मी नो अगर आपने ट्रेडिंग किया है, शॉर्ट किया है स्पेशली अगर आपने, एंड आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है। एंड बाय द वे, कॉइन DCX पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो डोंट फॉरगेट, इंडियाज़ नंबर 1 एक्सचेंज राइट नाउ। इन्होंने बिटको के साथ पार्टनरशिप किया, सिक्योर्ड मोस्ट सेफ एक्सचेंज आप बोल सकते हो इंडिया में। अगर आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हो, इथेरियम बाय करना चाहते हो, XRP, ट्रॉन, जो भी क्रिप्टो करेंसीज आप बाय करना चाहते हो,
यहाँ पे इंस्टा में जाके बाय कर सकते हो। इंस्टा में आपको कोई ऑर्डर वॉर्डर बुक देखनी नहीं पड़ती, यहाँ पे प्राइसेस फिक्स होता है। आप वहाँ पे जाओ, बाय करो, सेल करो, प्राइसेस फिक्स होता है यहाँ पे। तो बहुत इजी टू बाय, इजी टू सेल है CoinDCX पे। आपको पता ही, इंटरव्यू किया था बीच में हम लोग ने। एंड उसके अलावा अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप ऑलरेडी एडवांस हो, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। 200+ क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो CoinDCX पे, फास्ट लिक्विडिटी। सो अगर आपने साइन अप नहीं किया, प्लीज़ साइन अप, मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड शाउट आउट टू CoinDCX, थैंक यू सो मच। एंड नाउ बहुत सारी थेरी है, एंड ऑफकोर्स मैं आना चाहता हूँ कि पूरा सीन क्या है, ये 50 बिटकॉइन मूव हो रहा है, सतोशी नाकामोटो ने मूव किया, नहीं मूव किया, कोई और मूव कर रहा है, और थेरीज क्या हैं, क्या रिसर्च बोलती है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। बट सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन। यूजली यू नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर काफ़ी लोग पैनिक कर रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप क्रिप्टो में ऑलरेडी पुराने हो, तो आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन का प्राइस 500 या $600 गिरा आपको एक दिन में। तो आपको ये आपके लिए नॉर्मल है, ये आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल पैनिक नहीं होगे। बट काफ़ी लोग, आई एम श्योर, दे आर पैनिक सेलिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई मीन ये बिटकॉइन का डंप हुआ क्यों? इज़ बिकॉज काफ़ी लोग ने डंप किया, या फिर इट्स अ नेचुरल साइकिल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। बट एनी वे, ये जो नया प्रेडिक्शंस है, सो 16K बाय अक्टूबर, द चार्ट नेवर लाइज। सो एक बंदा है, ये ट्रेडर है, एंजेलो BTC करके, 150,000 फॉलोअर्स इनके, और ही इज़ बेसिकली टेक्निकल एनालिस्ट। एंड ये बंदा प्रिडिक्ट कर रहा है 16,000 बाय अक्टूबर। सो टुडे इज़ व्हाट, मे। एंड सो दिस इज़, ये मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रडिक्शंस है। तो यूजली मैंने लोगों को देखा है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होता है, तो पैनिक सेलिंग या फिर फोमो ये सब चालू हो जाता है। नॉट फोमो, बट व्हाट यू से, फियर, फियर, व्हाट इज़ दैट, फट 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 फॉर फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन डंप हो रहा है। बट आई थिंक सीरियसली, आई मीन ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयर मिलती है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बिटकॉइन डंप होगा क्या, नीचे जाएगा क्या, एंड आई थिंक ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इट डिपेंड्स, काफ़ी लोग ये जितने भी डिप होते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, एंड काफ़ी लोग पैनिक रहते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, इस पूरी पूरा मार्केट साइकोलॉजी का गेम है। बट यूजली आपको मार्केट डंप में ही एंट्री मारनी चाहिए। बट एनी वे, सो इस बिटकॉइन की बात करते हैं, 50 बिटकॉइन। जैसे कि आप देख सकते हो, किसी भी ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाओगे और ये एड्रेस डाल लोगे आप, तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। बिटकॉइन का सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री मिल जाती है, चाहे वो 2009 में हुआ हो, 2000, ऑफकोर्स माइंड होने के बाद ही, 2009, 2010, 2011, 2012। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में, जब 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ था, 9th of January को, राइट? और ये जो बिटकॉइन माइनिंग हुआ था, ये हुआ था आई थिंक 9th of February, आई गेस, 3564, लेट्स सी, आई थिंक ये, यस, 9th of February को बिटकॉइन माइन हुआ था ये 50 बिटकॉइन। तो आपको पता ही है कि पहले स्टार्टिंग में 50 बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते थे, अभी कितने मिल गए, 6.25। आपने हालविंग देखी, हम लोग, ये हालविंग का शोर वही था, क्योंकि पहले 50 बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड मिलता था, फिर 25 बिटकॉइन मिलता था, फिर 12.5 मिलने लगा, अब कुछ 6 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन मिलता है अपना। तो ये रिवॉर्ड, ये एक्चुअली ब्लॉक रिवॉर्ड है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था कि बंदे ने बाइंग किया था एक्सचेंज या किसी से, नहीं, ये उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिला था, ये माइनिंग का रिवॉर्ड मिला था, जिसको 50 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिला था, ये ब्लॉक नंबर 3564 पे। ओके, तो आप देख सकते हो 9th of February को मिला था, और उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नथिंग थी। यहाँ पे कुछ $47 दिखा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी उतना भी प्राइस नहीं था बिटकॉइन का वो टाइम पे, 50 बिटकॉइन का उतनी भी कीमत नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था बिटकॉइन, किसी को नहीं पता था। तो बहुत कचरे के भाव में था बिटकॉइन। एंड ऑफकोर्स कल जब मूव हुआ, तो आप देख सकते हो कि उसका कितना प्राइस दिखा रहा है, अराउंड 487,000 दिखा रहा है उसका प्राइस, ओके, डॉलर्स। सो ये बिटकॉइन, आई मीन सबके सवाल मन में यही सवाल हो गया कि बॉस, इतना पुराना ब्लॉक रिवॉर्ड मूव हो रहा है, तो ये किसने मूव किया? क्या ये सतोशी नाकामोटो ने माइन किया था, वही बिटकॉइन है? तो क्या अभी सतोशी नाकामोटो का ये प्लान है कि वो बिटकॉइन डंप करना चाहते हैं, वो कैश आउट करना चाहते हैं? अगर ये सच है, तो ये 1 मिलियंस जो बिटकॉइन उनके पास हो, तो उसका क्या, क्या वो भी डंप करने वाले हैं? बेसिकली इसकी वजह से जो मार्केट में पैनिक हुआ है, एंड काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल चल रहा था।
सो अब हुआ क्या, बहुत सारे थियरीज हैं और काफ़ी से जो रिसर्च है वो ये बोलती हैं कि ये जो ब्लॉक नंबर 3564 है ये एक्चुअली सतोशी नाकामोटो ने माइन नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 50 बिटकॉइन थे ये सतोशी नाकामोटो के थे ही नहीं, ये रिसर्च बोलती है। सो कौन सी रिसर्च बोलती है, सो यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च जिसका नाम है सतोशी ब्लॉक्स डॉट इन्फो। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स होंगे जो सतोशी नाकामोटो ने माइन किया है। यहाँ पे इन्होंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, इन्होंने बोला है कि जिन्हों जो भी ब्लॉक्स वो टाइम पे सतोशी नाकामोटो खुद माइन करते थे उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न था और वो पैटर्न को पतोशी ब्लॉक्स बोलते हैं। जितने भी ब्लॉक्स सतोशी नाकामोटो ने माइन किया उसको पतोशी ब्लॉक बोलते हैं। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक नंबर था 3564, ओके 3564, ये सतोशी नाकामोटो का ब्लॉक रिवॉर्ड नहीं था, ये ब्लॉक सतोशी नाकामोटो ने माइन नहीं किया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो 50 बिटकॉइंस मूव हुए हैं उसको सतोशी नाकामोटो ने मूव नहीं किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अगर इस पैटर्न का आप मानोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब भी सतोशी नाकामोटो कोई भी ब्लॉक माइन करते थे उसमें वो पैटर्न था और वो पैटर्न इससे मैच नहीं कर रहा इस ब्लॉक माइनिंग से। सो ये बेसिकली जितनी भी रिसर्च है अभी तक इन्होंने बोला है कि नहीं है और मे भी यही एक रीज़न है कि मार्केट अभी भी स्टेबल है, मार्केट अभी भी 9000 है। कहीं गलती से इस पैटर्न को अगर मैच होता था तो इमेजिन करो, सोचो कि क्या होता था। आई थिंक मार्केट बहुत ज़्यादा डंप होती थी अगर ये रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं होता था तो एक ये थ्योरी है कि बॉस ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड था ये सतोशी नाकामोटो का नहीं था, इन्होंने माइंड नहीं किया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि 2009 के बिटकॉइन को स्पेंड किया गया है, ये पहले भी हो चुका है। ओके सो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रिवॉर्ड आई थिंक ये 20 तारीख 2009 का है। ओके 20 तारीख फरवरी का 2009 का ब्लॉक रिवॉर्ड है जो 2015 में स्पेंट हुआ है, सो 6 साल बाद स्पेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट देखते हैं, जो लास्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो और एक माइनिंग रिवॉर्ड मतलब 9 फरवरी 2009 को जो 50 बिटकॉइन माइन हुए थे वो 2017 में भी स्पेंड किया गया था। तो अगर सोचो, आई मीन आई एम श्योर वो टाइम पे भी काफ़ी लोग ने बोला होगा कि अरे ये 9 फरवरी का 2009 का माइनिंग रिवॉर्ड है, मतलब ये सतोशी नाकामोटो का ही है, तो उन्होंने वो वापस आ गए, अब वो स्पेंड करना चाहते हैं, अभी कैश आउट करना चाहते हैं। तो 2017 में ही सब डंप हो जाना चाहिए था, बिटकॉइन का प्राइस 2017 में ही वो 1 मिलियन बिटकॉइन डंप हो जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है। 2017 से 3 साल बाद आज एक ब्लॉक रिवॉर्ड इन लोगों ने 50 बिटकॉइन किसी ने मूव किया है। तो कहने का मतलब ये कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरे को अच्छी चीज़ लगती है बिटकॉइन और क्रिप्टो में, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होते रहता है और इतना एक्साइटमेंट बना रहता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वो आपका क्या होता है? यस थोड़ा थोड़ा धड़कनें तेज होती हैं, थोड़ा सवाल जवाब उठता है दिमाग में, बट एक्चुअली बहुत मज़ा आता है ये सब स्टोरी देख के। इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बॉलीवुड में भी नहीं मिलेगा ठीक है, इतना अच्छा स्टोरी आपको बॉलीवुड में नहीं मिलेगा। एंड आई एम श्योर कोई ना कोई मूवी मूवी बना रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो 2017 में जब ये हुआ था तो कुछ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, खाली एक ब्लॉक रिवॉर्ड हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ 50 बिटकॉइन। एंड अब 2020 में हुआ, 2015 में भी हुआ था, एंड मे भी आगे भी होगा, मे भी 2021 में भी होगा, मे भी 2022 में भी होगा। और जब भी ऐसा पुराना ब्लॉक रिवॉर्ड 2009 से कोई स्पेंड करेगा तो हवा मचेगा लोगों को, अरे 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 सतोशी नाकामोटो आ गए, सतोशी नाकामोटो आ गए। बट आई डोंट थिंक ये सच है और ये सारे रिसर्च यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे बड़ी बात जो मुझे सतोशी नाकामोटो के बारे में लगती है, उनका एक विजन था, उनका एक मिशन था। उन्होंने बिटकॉइन इसके लिए नहीं क्रिएट किया कि मैं कल 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं कैश आउट कर लूँगा, डॉलर से बेच दूंगा, मैं पैसे कमा लूँगा। आई डोंट थिंक कि सतोशी नाकामोटो ने पैसे कमाने के लिए एक्चुअली बिटकॉइन क्रिएट किया है। इनफैक्ट उनके लिए तो बहुत मुश्किल है,
सोचो अगर वो आज कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन, तो वो तो फंस जाएंगे। वो उनकी तो आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी कि भाई अच्छा ये बंदा है जिसने बिटकॉइन क्रिएट किया था, पकड़ो उसको। उनको उनको तो कुछ नहीं मिला, एटलीस्ट देखा देखा जाए तो। भले सब लोग बोलते हैं 1 मिलियन बिटकॉइन, बट 1 मिलियन बिटकॉइन किस काम का है? मे बी वो काम में आ सकता है बहुत आगे जाके, जब लोग बिटकॉइन से बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स करेंगे, मे बी 10 साल बाद, मे बी 20 साल बाद, मे बी 30 साल बाद, जब बेसिकली बिटकॉइन एक एसेट क्लास बन जाएगा, जब लोगों को फिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब लोगों को कन्वर्जन कर जब लोगों को किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग बिटकॉइन से ही लोग पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन, तब हो सकता है उनको फ़ायदा करे। बट ये टाइम पे उनको कैश आउट करना तो बिल्कुल मुझे तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि हाँ एक तरीका है कि बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन को कैश आउट कर सकते हैं इस एक्सचेंज पे, तो आप मुझे बताओ। क्योंकि कोई भी एक्सचेंज पे जाओगे तो KYC देनी पड़ेगी और आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, सो आई डोंट थिंक कि वो कभी कैसा करेंगे। और दूसरी चीज़, उनका एक मैसेज था, उनका एक मिशन था, इट्स नॉट अबाउट मनी, ये पैसे वाली बात नहीं है बॉस। उन्होंने बिटकॉइन क्रिएट ही किया था क्योंकि लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था और उनके दिमाग में आइडिया आया कि बॉस कब तक ये चलते रहेगा, कब तक ये बैंक्स लोगों का पैसा फ्रॉड करते रहेंगे, कब तक ये बैंक्स लोगों के पैसे से खेलते रहेंगे, राइट? अपने इंडिया में भी आपने देखा होगा कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोगों का पैसा उठा के रिच लोगों को दे देते हैं कर्ज, और वो लोग देश के बाहर निकल जाते हैं या फिर खाके बैठ जाते हैं, और फिर सेंट्रल बैंक और प्रिंट करती है। बट वो किसका पैसा होता है? वो एक्चुअली पब्लिक का पैसा होता है जो बैंक्स में, जो बैंक्स खाते हैं, राइट? एंड सतोशी नाकामोटो ने इसीलिए क्रिएट किया था कि बॉस नहीं, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि हमको बैंक के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, ताकि लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, और इसीलिए उन्होंने बिटकॉइन क्रिएट किया था। तो आपको क्या लगता है कि वो एक दिन अपने ही नैरेटिव को, जो उन्होंने बोला था कि बॉस मैं इसके लिए बिटकॉइन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है, अपने नैरेटिव को ही फेल कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं है कि वो कि हाँ मैंने इसके लिए तो क्रिएट किया था, बट अब मैं लालची हो गया हूँ, अब मेरे को कैश आउट करना। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा उनका कुछ उनके दिमाग में है। सो आई थिंक, देखो पर्सनली आई एम नॉट श्योर, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपका आपका खुद का डिसीजन है। एंड ऑफ कोर्स आप मेरी सोच के मत लेना, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो अपने हिसाब से करना। बट अगेन, ये मेरी थ्योरी बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से सतोशी नाकामोटो कभी कैश आउट नहीं करने वाले बिटकॉइन। सतोशी नाकामोटो को जो विज़न था वो उसको बरकरार रखेंगे। उनके वाइट पेपर में लिखा हुआ है कि उन्होंने सतोशी नाकामोटो क्यों क्रिएट किया है, सॉरी बिटकॉइन क्यों क्रिएट किया है, एंड हमको सब पता है। तो आई डोंट थिंक कि वो कभी कैश आउट करेंगे और सोचेंगे इसकी। बाकी एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बट देखते हैं टाइम कितना है। बट मैं चैट में आ रहा हूँ पहले, एंड आई होप आपको ये पता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने बताया, कल मैं ट्वीट भी किया था कि ये बिटकॉइन का वैल्यूएशन देख के मैं दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। कुछ भी नहीं था, $47 दिखा रहा है, और ये देखो 487,000, 11,000 11 साल में कितना बड़ा चेंज। तो आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है कि काफ़ी लोग, काफ़ी दिनों से मैंने बताया नहीं है, बट मैं सोचता हूँ बता दूँ। ये एक साइट है जिसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है कि आप हर हफ्ते, हर महीने या हर साल, जैसा भी आपको ठीक लगे, लोग $100 का बिटकॉइन या $10 का बिटकॉइन एवरी मंथ खरीद, जैसे SIP बोलते हैं, राइट? बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, काफ़ी लोग एक्सचेंजेस पे रखते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हो तो ये सब जितना भी आप बिटकॉइंस बाय करते हो, आपको खुद के हार्डवेयर वॉलेट में या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखना चाहिए, किसी एक्सचेंज पे नहीं। बट ये देखो, ये इस पे एक फॉर्मूला है जहाँ पे अगर मैंने सिर्फ $10 का, $10 का हर महीना सिर्फ $10 का बिटकॉइन बाय किया होगा, तो अगर अगर मैंने समझ लो 5 साल बाय किया, तो मेरा रिटर्न्स देखो, ठीक है, और लेट से $100 करते हैं यहाँ पे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरा रिटर्न्स देखो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितना है, मेरा रिटर्न्स कितना है, ये हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। या टोटल इन्वेस्टमेंट $370, बट मेरा वैल्यू $605, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ $10, $10 ओनली, खाली महीने का, 5 साल के लिए।
सो बहुत क्रेजी है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली इसमें कुछ ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिंपल, ये होडलर का नतीजा। सर BTC कैन बी यूज टू फंडरेजम इफ समेज होल्ड BTC, नो वन विल नो, दैट विल बी हार्मफुल। बट वो कैश आउट कैसे करेगा, इसके लिए आपको पता है ना कि सारे एक्सचेंजेस KYC लेते हैं आपकी। आप बिना KYC के एक्सचेंजेस पे जाओ और बिटकॉइन बाय करने की कोशिश करो, खरीद ही नहीं पाओगे। तो बिटकॉइन तो ट्रेसेबल है, वही मैंने बताया ना आपको। ये काफ़ी लोग समझ नहीं पाते। ये ब्लॉक एक्सप्लोरर पे देखो, ये मैं ब्लॉक नंबर वन डाला हूँ, ठीक है। ये पहला वाला जो बिटकॉइन माइनिंग हुआ था, पहला रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन का, ठीक है। अब इसका डेट देख लो, तो सारा ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सकता है। आप सोचो, लोगों लोग कैश दे देंगे तो कैश आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो किसने किसको कैश दिया। बिटकॉइन यहाँ पे पूरा का पूरा किसके एड्रेस पे गया, कितना गया, कब गया, कौन से टाइम पे गया, ये पूरा ट्रैक हो सकता है, ठीक है। तो पकड़ा जाएगा, जो भी ऐसा गलत यूज़ करेगा बिटकॉइन का वो पकड़ा ही जाएगा। आई थिंक काफ़ी लोगों गलती कर चुके हैं, काफ़ी लोगों गलती कर चुके हैं स्टार्टिंग में। लोगों को लगा अरे बिटकॉइन, लेकिन सब पकड़े गए, उनको पता नहीं था कि बिटकॉइन एक्चुअली ट्रेसेबल है। एक KYC मिली तो पूरा का पूरा सब चिट्ठा बाहर आ जाएगा। भाई जब पिज्जा ऑर्डर करना तो मेरे घर भी भिजवा देना। ग्रोथ मनी। हाँ भाई हाँ। सर बिल गेट्स से क्रिप्टो डज नॉट हैव इंटरसेक्टिव वैल्यू एनी वन क्रिएट। यस ही इज राइट रोम। सो बहुत सारे क्रिप्टो जो हैं उनका क्या इंटरेस्टिंग वैल्यू है, और उनका क्या, उनका कुछ भी वैल्यू नहीं, राइट right? वो तो सच बोल रहे हैं ना। बहुत सारे जो क्रिप्टो हैं उनका कुछ वैल्यू नहीं है। तो किसी का भी इंट्रेंसिक वैल्यू तभी क्रिएट होगा जब उसमें वैल्यू क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज इथेरियम का प्राइस $199 है क्योंकि कुछ ना कुछ ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है मार्केट में। लोग उस पर एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, किसी ना डीफाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यूटिलिटी होना ज़रूरी है, यूटिलिटी रहेगी तो ही उसका वैल्यू रहेगा। अदरवाइज आपको पता ही है मार्केट में कुछ 7,500 क्रिप्टो करेंसीज हैं, और आपको पता है इसमें से आराम से 7,000 ऐसे क्रिप्टो हैं जिनका कुछ काम नहीं है। 7,000 ऐसे ही क्रिप्टो हैं तो वो तो फिर कुछ मतलब नहीं है, करेक्ट। तो वो सही बात है उनका। मस्त आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। तो कैसे हो आप लोग? यस, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो भाई, वॉच्ड योर न्यू वीडियो, कूल। कौन सा वाला डैनी, कौन सा वाला वीडियो टेल मी यार, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा। बिटकॉइन गोल्ड के ऊपर, बिटकॉइन गोल्ड यार फोक है, सो मुझे फोक में उतना इंटरेस्ट नहीं होता बानी। आई एम नॉट श्योर आपने बिटकॉइन गोल्ड क्यों होल्ड किया, अगर किया होगा तो आई एम श्योर आपने कुछ सोच समझ के किया होगा, बट मेरे को फोक में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता यार। बिटकॉइन गोल्ड, सॉरी, बिटकॉइन गोल्ड अलग है, बिट गोल्ड नहीं, बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन गोल्ड अलग है। सर चाइना 100% रेगुलेट क्रिप्टो, गुड न्यूज़। आई एम नॉट श्योर नमिता, अगर है तो मेरे को कमेंट में शेयर करना लिंक, मैं पढ़ूंगा जरूर, या फिर ट्विटर पे टैग करो। आई होप आप लोग ट्विटर पे हो गए, अगर ट्विटर पे नहीं हो तो प्लीज़ आ जाओ। 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको ट्विटर ऐप डाउनलोड करने में। अपने गूगल स्टोर में जाओ, ट्विटर डाउनलोड करो, अपना ईमेल डालो और आ जाओ ट्विटर पे, क्योंकि बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब के बाद अगर आपको कहीं पे अपडेट मिलेगी तो ट्विटर पे मिलेगी। तो प्लीज़ ट्विटर पे आओ, मैं बहुत सारी बातें मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और आई थिंक बहुत मज़ा आता है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, और हर एक ट्वीट जस्ट इन केस अगर आपको इश्यू है तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। सो आई थिंक आपको ट्विटर पे डेफिनेटली आना चाहिए, मेरा आपको आईडी पता है @shivfreespirit। प्लीज़ कम, क्योंकि बहुत, आई मीन ये जो न्यूज़ है 50 बिटकॉइन का,
ये जो न्यूज है कि सतोशी नाकामोटो वापस आ गए 50 बिटकॉइन, ये कहाँ मिला? ये ट्विटर पे ही आया ना सबसे पहले। तो प्लीज ट्विटर पे आ जाओ, क्योंकि ट्विटर पे रहोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी आपको। BTC कितना डंप जा सकता है? एडी बेस्ट, एडी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कितना डंप जा सकता है, बट जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ये बिटकॉइन 8,000 तक भी जाता है, जो एक्चुअली यू नो आई थिंक लास्ट सपोर्ट कुछ 7,200 बना था, सो अगर 8,000 भी तक भी जाता है, उतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अराउंड 8,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट उतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अभी जा रहा है या बाद में जा रहा है आई डोंट नो, बट मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट, आई थिंक मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को डंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर गया है, बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर गया था। आपको पता है ना हालविंग के वक्त ये बहुत तेज़ी से प्राइस डंप मारा है, जंप मारा है, सॉरी। आप 1 महीने का ही देख लो, 1 महीने पहले कुछ 6,884 पे ट्रेड हो रहा था, और ये 1 महीने का ग्राफ है, तो 1 महीने में आराम से 7,000 आप पकड़ लो, 7,000 से 9,000 आया है। बट अभी हालविंग भी हो गई है, तो मैं ज़्यादा डीप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हो भी सकता है, ये मार्केट है, मार्केट का कुछ भी हो सकता है। मार्केट में 5,000 भी जा सकता है, 3,000 भी जा सकता है, काफ़ी लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, बट मैं उतना बेरिश नहीं हूँ। मेरे को लगता है 8 तक शायद जाए तो जाए, बट और भी जा सकता है, लेट्स सी। अगर जाएगा भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और जो सतोशी नाकामोटो का विजन है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि यू नो लोग पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश यूज़ करें, ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, ब्लॉकचेन यूज़ करें, उसमें मेरा ज़्यादा विश्वास है देन कि प्राइस कितना डंप होगा। तो कभी कैश, ऑफ कोर्स आई मीन नॉट बैड, आप ट्रेड कर सकते हो, यू आप मेक मनी, कैश आउट कर सकते हो, आप BTC भी लेवरेज कर सकते हो, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में। इंटरव्यू कॉइन DCX एंड 600 डेली वाला, आई मिस देम इन लाइव। ओके 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 डैनी, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आप ज्वाइन किए हो, इट्स अमेजिंग टू टॉक यार। इसीलिए ना मुझे बहुत मज़ा आता है, काफ़ी लोग जो बोलते हैं ना लाइव थोड़ा लेट होता है, इसके लिए, क्योंकि मैं आपसे बात करने में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिले रहता है ना, लेट होता है, सॉरी मतलब टाइम लगता है। कैन वी नो फर्स्ट ब्लॉक दैट माइंड? यस संतोष, सो गो टू ब्लॉक नंबर वन, राइट? जस्ट टाइप ब्लॉक नंबर वन, किसी भी ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाओ और $1 ब्लॉक नंबर वन, और आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ये देखो ब्लॉक नंबर वन, 9 तारीख 9 जनवरी 2009 को माइन हुआ था। तो ये तो बॉस, ये तो डेफिनेटली सतोशी नाकामोटो ने मूव किया। जिस दिन यहाँ से 50 बिटकॉइन ये वाला मूव होगा, उस दिन धक 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 करेगा बॉस, मतलब फिर तो कुछ गड़बड़ है। ये क्यों मूव किया, ये 50 बिटकॉइन क्यों मूव किया तुमने? तुम तो सतोशी नाकामोटो ही है, और कोई नहीं हो सकता। जिस दिन ये ब्लॉक नंबर वन मूव हुआ ना 50 बिटकॉइन, सोच लो। समीर, समीर बहुत सारे लॉकडाउन में, आई मीन ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ते रहता हूँ, बुक्स पढ़ते रहता हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, या आई मीन बहुत अच्छी, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट अब मैं बिजी रखता हूँ अपने आप को। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द क्रैश बट ऑलवेज कनेक्शन, या काफ़ी लोग क्रैश के लिए यूज़ कर रहे, वेट कर रहे हैं यार। आई मीन कल को अगर बिटकॉइन 7K और 5K जाता है तो काफ़ी लोग खुश होंगे, बोलेंगे चलो भाई चलो बिटकॉइन लेते हैं और क्या। सो आई एम श्योर काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बिटकॉइन क्रैश का। एनी वे गाइस, थैंक यू सो मच, काफ़ी देर हो गई आपसे बात करते हुए, एंड बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। प्लीज़ लाइक दबा के जाना, लाइक दबा जाना, एंड आई विल सी यू टुमारो, कल मैं मिलूंगा आप लोगों से। एंड कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, सतोशी नाकामोटो थे नहीं थे, एंड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो आप सुनना चाहते हो, कवर करना चाह मेरे को कवर करना चाहिए वो भी बताना कॉमेंट में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, एंड डोंट फर्गेट, अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तो कॉइन DCX रजिस्टर करो, एंड आप यहाँ पे 200 क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन पहले कॉइन DCX से बाय करो, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपीज़ का भी बिटकॉइन बाय कर सकते हो, इससे आप सीख सकते हो। सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। सीख गए तो इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, नहीं सीखोगे तो इन्वेस्टमेंट को बहुत खतरा हो सकता है।
With that, good night. Take care. Bye-bye.